नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंशन के बारे में। टेंशन क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले टेंशन होता क्या है? ठीक है, टेंशन एक फोर्स होता है। टेंशन इज अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स विच अप्लाइड बाय अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग स्ट्रिंग और रोप और अ रॉड। ठीक है, कोई रस्सी है, अगर हम उसको खींचेंगे तो उसमें टेंशन आएगा। अगर कोई रॉड है तो भी उसको खींचेंगे तो भी उसमें टेंशन आएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। टेंशन क्या है? टेंशन एक फोर्स है। जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? दूर दूर भागते हैं। ठीक है, तो उसमें जो फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? टेंशन का फोर्स कहते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स अप्लाई करते हैं टेंशन जो स्ट्रिंग है उसके अंदर। मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई सीलिंग है और ये एक स्ट्रिंग है और उससे बॉल लटकी हुई है। अब इसका जो मास है वो है एम। ठीक है, तो ये नीचे फोर्स क्या लगाएगी? एम जी। ठीक है, इतना जो है ये अपने वेट के बराबर का फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रिंग क्या कर रही है? ठीक है, यहां पर स्ट्रिंग क्या करेगी? स्ट्रिंग एम जी के बराबर का एक फोर्स डेवलप करेगी। ठीक है, जो इसको थामे रखती है। ठीक है, इस बॉल को जो थामे रखती है, बैलेंस करती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या करेगी? स्ट्रिंग एक फोर्स डेवलप करेगी। अब जो वो फोर्स होगा उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? उस फोर्स को हम बोलेंगे टेंशन। सो टेंशन इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब ये वाली जो रस्सी है ना, यहाँ पे जो ये रोप है, स्ट्रिंग है, जो भी है, इसके हर एक पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो टेंशन के बराबर होगा। हर एक पॉइंट पर वो टेंशन के बराबर होगा, मतलब कि इस पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ 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 हर एक पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा। कैसे? यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक सेगमेंट ले लेते हैं हम ए बी। ठीक है, ये ए और ये बी। अब ये वाला जो ए है, ठीक है, ना ही तो ये वाला जो सेगमेंट है पूरा का पूरा, ना तो अप मूव कर रहा है ना और ना ही डाउन मूव कर रहा है, मोशनलेस है, इसमें कुछ भी मोशन नहीं हो रही। अगर इसमें कुछ भी मोशन नहीं हो रही, ये इधर उधर नहीं भाग रहा, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, तो इसमें जितने भी सेगमेंट है, ठीक है, छोटे छोटे जितने भी सेगमेंट लेंगे हम, तो उन पे हर एक पॉइंट पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही। अगर यहाँ पर देखो एम जी है, ठीक है, तो यहां पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? टेंशन होगा, जो कि एम जी के बराबर होगा। इस पॉइंट पे लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, ये एम जी नीचे की तरफ लगाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या होगा? अपवर्ड एक टेंशन लगेगा, जो कि होगा टेंशन ये बोलते हैं उसको, टी इज इक्वल टू एम जी। ये तो हो गया टेंशन। ठीक है, एक स्ट्रिंग के अंदर और स्ट्रिंग में जो हर एक पॉइंट पर जो टेंशन होता है वो सेम होता है। हर एक पॉइंट पर टेंशन जो कि फोर्स होता है, हर एक पॉइंट पर बराबर होता है, सेम होता है। अब हम केस लेते हैं एक मैसिव रॉड का, ठीक है, या फिर मैसिव रोप का एक हम केस ले लेते हैं। अगर कोई हमारे पास एक मैसिव रोप है, ठीक है भाई, उसका कुछ ना कुछ मास है, इसका मास है m, मास ऑफ रोप, ठीक है, और कैपिटल m जो है मास ऑफ बॉल। ठीक है, तो जो ये अब मैसिव रोप है, इसके इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स क्या है?
और इसके इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स क्या है। फोर्स से मतलब यहाँ पे लगने वाला जो टेंशन है वो टेंशन क्या है, उस टेंशन के बारे में हमको बताना है। ये वाला नीचे फोर्स लगाएगा क्या, एम जी, ठीक है। अब ये वाला अगर एम जी फोर्स लगाएगा तो इस पॉइंट पे लगने वाला जो टेंशन होगा, यहां पर जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, एम जी। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, टेंशन एट ए इज इक्वल टू कैपिटल एम एन जी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे लगने वाला जो टेंशन होगा वो टेंशन किसके बराबर होगा, अब देखो इस पॉइंट पे लगने वाला जो टेंशन होगा, ये वाला मास, ठीक है, प्लस रस्सी का अपना पूरा मास, तो इस पे लगने वाला जो टेंशन होगा, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी, वो बराबर होगा एम प्लस एम एंड जी। तो अगर हम कोई मैसिव रोप लेते हैं, ठीक है, जिसका कुछ मतलब कि भाई ज्यादा मास हो, ठीक है, तो उसके दो एंड पे अलग अलग एंड पे लगने, वो तो क्या था उसका जो मास था, जो इससे पहले वाले हम स्ट्रिंग ली थी उसका नेगलेजिबल मास हमने ले लिया, लेकिन इसमें जो मास है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि भाई उसका जो है मास लेना पड़ेगा हमको, भाई उतना इसका मास है लेना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो इस पॉइंट पे लगने वाला जो टेंशन है वो होगा एम जी, और इस पॉइंट पे लगने वाला वो कितना होगा, एम प्लस एम जी। तो दोनों एड्स पे लगने वाला जो टेंशन है वो अलग अलग है। पिछले में क्या था, पिछले में तो जो टेंशन था वो बिल्कुल सेम था हर एक पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों पे टेंशन अलग अलग है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे बोलने लगे भाई इस पॉइंट पर लगने वाला जो इसका सेंटर है टेंशन एट सी, इस पॉइंट पर लगने वाला टेंशन क्या होगा, इस पॉइंट पर लगने वाला टेंशन होगा, देखो ये वाला तो एम लग ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे टोटल इसका मास कितना है, टोटल मास है स्मॉल एम, ठीक है, और इस पॉइंट पर आकर इसका मास कितना हो जाएगा, स्मॉल एम ओवर टू मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है। तो इसका चाहे अपर पोर्शन ले चाहे लोअर पोर्शन ले, ठीक है, अगर लो जो सॉरी ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो सेंटर पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स यानी कि टेंशन होगा वो कितना होगा, कैपिटल एम प्लस एम ओवर टू मल्टीप्लाई बाय जे। तो आइए इस पे एक जो है छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, और इसके बाद भी हम न्यूमेरिकल अब इस पे जो है टेंशन पर करेंगे, लेकिन जो मेन न्यूमेरिकल होंगे जो IIT JEE एडवांस से रिलेटेड होंगे वो एक अलग वीडियो में हम करेंगे, ये एज अ वार्म अप न्यूमेरिकल हम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल है ज्यादा नहीं है, आसान आसान से है। अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, ये कोई एक रोप है, ठीक है, जो वर्टिकली लटकी हुई है, शोन इन फिगर, ये फिगर में दिया है। फाइंड द टेंशन इन द रोप, इस टेंशन में सॉरी इस रोप में हमको टेंशन के बारे में बताना है, ठीक है, एट अ हाइट एक्स फ्रॉम द लोअर एंड, लोअर एंड से किसी एक्स हाइट पर इसमें कितना टेंशन लगेगा, इस टेंशन के बारे में हमको बताना है। इसकी पूरी लाइन कितनी दे रखी है, एल, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं ए। सो टेंशन एट ए इज इक्वल टू ग्रेविटी दबाएगी, और मुझे मास के बारे में बताना है बस भाई, इस पॉइंट पे इसका कितना मास होगा, टोटल मास कितना दे रखा है, टोटल मास जो है वो दे रखा है एम के बराबर, ठीक है। अब टोटल मास में से ये वाला मास कितना होगा भाई, यहां से लेकर ये वाला मास, ठीक है, ये वाला, ठीक है, टोटल मास कितना है एम, एम में से, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एल, एल में से एक्स लेंथ लेनी है, ठीक है, सो एल में से एक्स लेंथ लेनी है, तो ये इसका क्या होगा, टेंशन एट ए, इस पॉइंट पर लगने वाला जो टेंशन होगा वो कितना होगा, एम एक्स ओवर एल, भाई ये वाली तो लेंथ है, ठीक है भाई, टोटल लेंथ कितनी है ये, उसमें से ये लेंथ कितनी है ये वाली, तो टोटल में से ये वाली आ जाएगी, ठीक है, तो एक्स ओवर एल मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है। अब वो पूछने लगे भाई,
इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? इस पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होगा क्योंकि सारा का सारा वेट इससे नीचे है। अगर नीचे है तो यहां पर लेंथ कितनी हो गई? इस पॉइंट पर आकर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल। सो एल, एल से एल कैंसिल। सो टेंशन एट दिस पॉइंट, ठीक है, इसका नाम देता हूं सी। सी का मतलब सेंटर नहीं है, इस पॉइंट पर सी, सीलिंग वाले पॉइंट पर कितना हो गया? एम जी। तो ये वाला सीलिंग वाले पॉइंट पर टोटल, चलो मैक्सिमम बोल देता हूँ इसको एम, टेंशन मैक्सिमम इज इक्वल टू एम जी। तो ये वाला जो टेंशन होगा मैक्सिमम होगा इस वाले पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है। ये जितनी भी प्रॉब्लम लेंगे ना, जो टॉपिक करेंगे, टॉपिक के साथ साथ जो प्रॉब्लम लेंगे वो छोटे छोटे प्रॉब्लम होंगी, आसान होंगी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम लेंगे वो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है मेन प्रॉब्लम लेंगे जो इनसे थोड़ा सा हार्ड होंगी, और उसमें आईआईटी जेईई से रिलेटेड और एडवांस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसमें जो है कवर कराए जाएंगे। इन द फिगर ए एंड बी, ठीक है, इन द फिगर, ये फिगर दे रखी है जिसमें ए और बी क्या है, दो ब्लॉक्स दे रखे हैं। पहले का मास कितना है? 2 kg, और दूसरे का है 4 kg। एस इज अ मासलेस स्ट्रिंग, एस क्या है? मासलेस स्ट्रिंग है। एंड आर इज अ यूनिफॉर्म रो ऑफ मास 2 kg, और इसका मास कितना दे रखा है? 2 kg। और जी हमको लेना है 9.8 m/s इनवर्स स्क्वायर। हमको बताना है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एस, जो ये वाली स्ट्रिंग है एस, इसमें टेंशन कितना होगा? अब ये क्या है? ये एक मासलेस स्ट्रिंग है। अगर ये एक मासलेस स्ट्रिंग है तो इसका तो मास होगा ही नहीं, ठीक है भाई। तो इसके हर एक पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो सेम होगा, ठीक है, टेंशन का जो फोर्स होगा वो सेम होगा, तो टेंशन हमको निकालना है। तो इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? ठीक है, जो इस पॉइंट पर टेंशन होगा वही इस पॉइंट पर टेंशन होगा इसका। तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, वो कितना होगा? जितना ये और ये तीनों मिलकर इनके मास जो है, ये वाला और ये वाला, इनका मास जो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और वो फोर्स कैसे लगाएगा? वो 2 और 2 4 और 4 8, ठीक है। सो टेंशन इज इक्वल टू एम जी, ये वाला टेंशन ऊपर की तरफ, और टोटल वेट लगेगा ये पूरा जो है सिस्टम मिलाकर नीचे की तरफ, ठीक है। तो मास हो जाएंगे इनके ऐड, ये वाला मास M1, M2, M3 मल्टीप्लाई बाय जी। M1 क्या है? 2 और 2 4 और 2 4 8, तो सीधा मैं क्या लिख देता हूँ? 8, 8, और जी की वैल्यू 9.8, ठीक है। तो ये 78.4 के समथिंग जो है निकल कर हमारे पास इसका टेंशन आ जाएगा, किस पर? कि भाई इस स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन है वो निकल कर आ जाएगा, ये 78.4, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है फाइंड द टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ आर, ये वाली जो रोप है, ठीक है, मैसिव रोप है, जो उसका कुछ ना कुछ मास है, इसके मिड पॉइंट पर कितना टेंशन लग रहा है? टेंशन एट इट्स सेंटर सी। सो टेंशन एट सेंटर सी ऑफ दिस मैसिव रोप इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक एंड मास ऑफ दिस रोप अप टू पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसका मास कितना है? इसका मास है 4 kg, 4 प्लस। टोटल मास कितना है इसका? 2 kg, 2 kg का हाफ कितना हो जाएगा? 1। सो 4 प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 9.8, सो इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है। और इसको यहां से कर देते हैं तो ये 49 निकल कर आ जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 नीचे जाएगा, और 2 49 क्या होता है?
98, तो इसका जो निकल कर आएगा क्या टेंशन सेंटर पॉइंट पर कितना होगा 49, और टोटल टेंशन होगा इन तीनों की वजह से इस स्ट्रिंग पर कितना 78.4। आइए ये प्रॉब्लम और लेते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं आसान से है, फिर इसको खत्म करते हैं टेंशन को, ठीक है। इन द फिगर अ स्ट्रिंग एस ऑफ मास 10 ग्राम सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। ये वाला ब्लॉक दे रखा है जिसका वेट मास दे रखा है 10 kg, ठीक है। जी इज इक्वल टू 9.8 m/s इनवर्स स्क्वायर। फाइंड टेंशन एट द लोअर एंड अपर एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। हमको यहाँ पे टेंशन की वैल्यू बतानी है, मान लेते हैं बी, और इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू बतानी है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या टेंशन होगा, इस पॉइंट पर क्या टेंशन होगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, अगर स्ट्रिंग मासलेस होती तो टेंशन जो है बिल्कुल सेम रहता सभी पॉइंट्स पर, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि क्या है एक मैसिव रोप है भाई, उसका कुछ ना कुछ मास है। तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेट है वो एक्ट करेगा नीचे की तरफ 10 × 9.8। सो टेंशन एट दिस पॉइंट विच इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ये वाला ब्लॉक ए है, ए नाम है इसका, ठीक है, तभी ए समझने लगो कि भाई इस पॉइंट का नाम ए क्यों नहीं लिया। तो टी बी इज इक्वल टू 10 × 9.8, सो 98/10, सो टेंशन एट बी इज इक्वल टू 98। नो एट दिस पॉइंट टेंशन एट ए इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट पर टेंशन क्या हुआ, इस पॉइंट पर टेंशन होगा ये वाला मास प्लस रस्सी का मास, रोप का मास कितना, इसका मास कितना दे रखा है 10 kg, 10 प्लस ये दे रखा है 10 ग्राम, ठीक है। सो 10/1000 कितना हो गया 0.01, ठीक है, ये इसका टोटल मास आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 99.8 के साथ, जो भी आएगा ठीक है मल्टीप्लीकेशन कर लेना, ये इसके बराबर ही निकल कर आएगा, मतलब कि 98.01 कुछ ऐसे निकल कर आएगा, आप देख लेना जो भी है, ठीक है, ये आप निकाल सकते हो, खुद कैलकुलेशन करनी है बस। तो ये टेंशन था कि भाई टेंशन होता क्या है, ठीक है, बता चुका हूँ टेंशन की, जो हम जब स्ट्रिंग को खींचते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। जो रोप अप्लाई करते हैं जिस ऑब्जेक्ट को, हम उससे लटकाएंगे ना, उस ऑब्जेक्ट को थामे रखने के लिए जो फोर्स डेवलप होता है स्ट्रिंग के अंदर, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन, ठीक है। मासलेस स्ट्रिंग है तो हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा, अगर मैसिव रोप है ठीक है तो इस एंड पर टेंशन अलग होगा, इस एंड पर टेंशन अलग होगा, और इस पॉइंट पर टेंशन अलग होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर, मास बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से टेंशन जो है चेंज होता जाएगा, और उसमें बेस्ड कुछ चाइल्ड न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है, कुछ जो है छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जो बहुत ही आसान थे, ये तो बच्चे भी सॉल्व कर देंगे अगर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम टॉपिक वाइज टॉपिक उठाएंगे और ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल देंगे, उसके बाद एडवांस एंड जेई बेस्ड जो न्यूमेरिकल है हम उनको सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ जो भी IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो विकास मलिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।